नमस्कार, आप देख रहे हैं नगरी मीडिया। मैं हूं अभिषेक। और आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था 1 तारीख को, उसको लेकर SC ST के जो तमाम संगठन है, उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया था। और तमाम जयपुर शहर में तमाम जगहों पर भारत बंद का असर भी देखा जा रहा है। जयपुर के अगर बात करें हम बाजारों की, तो तमाम बाजार जो है वो बंद है और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। इसी को लेकर हमारे साथ हैं अभी पुलिस अधिकारी हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था कैसे, मॉनिटरिंग चल रही है? आज भारत बंद का कॉल था, जिसके चलते शांतिपूर्ण तरीके से बंद हो रहा है। और पुलिस की व्यवस्था सभी वाइटल इंस्टॉलेशंस पे, हर जगह पे चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है। अभी तक किसी भी अप्रिय घटना की कोई सूचना या कोई शिकायत हमें प्राप्त नहीं हुई, सब खैरियत है। कैसे पूरा निगरानी चल रही है, क्या क्या कैसे नजर रखी जा रही है पूरे शहर? तो पूरे शहर में कई सौ पिकेट्स पुलिस के लगाए गए हैं, जो लगातार हर मूवमेंट पर नज़र बनाए हुए हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास दंगा नियंत्रण की पूरी मशीनरी है। किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए जयपुर पुलिस पूरी तरह से तैनात है। रैली का भी एक कहा गया था कि रामबाग से चौड़ा रास्ता हो, रैली निकलेगी, फिर कलेक्ट्री जाएगी, तो उसको लेकर क्या व्यवस्था? विभिन्न तरह की यात्राएं, रैली और ग्रुप्स जो हैं वो शहर में पुलिस की निगरानी में मूव कर रहे हैं। आगे भी ऐसे ही हुआ। तो ये देखिए, पूरी जो है पुलिस चौक चौबंद व्यवस्था को बनाए हुए हैं, जो रूट है उनको भी कई प्रकार से डाइवर्ट किया गया है और पूरी एक बैरिगेट्स लगा के पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की गई है। मैं रमाकांत, कैमरामैन रमाकांत के साथ अभिषेक, जयपुर।